हिंदी पट्टी के राज्यों को गौमूत्र राज्य कहकर द्रामुक सांसद सेंथिल कुमार ने बवाल खड़ा कर दिया। इस विवाद के बाद द्रविड़ मुनेत्र कसगम के सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार ने हिंदी पट्टी के राज्यों को गौमूत्र राज्य की टिप्पणी कर राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस टिप्पणी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डीएमके और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेर रही है। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए कि सेंथिल कुमार ने आखिर संसद में कहा क्या है। So that is the main reason that the people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India, you see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. So we will not be surprised if you have an option of converting all these states also into union territory so that you can come into indirect power of coming and having, because you can never dream of setting foot over there and taking control of all these southern states. So having the reservation bill into confidence, so we should first look into the history. हालांकि जैसा ही सेंथिल कुमार का ये बयान सामने आया, बीजेपी के तरफ से इस मामले पर तुरंत पलटवार करना शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और भोपाल से भाजपा की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने भी कड़ी आलोचना की। जहां गौ माता मध्य प्रदेश में पूजा जाता था, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की सरकार आई इसलिए है कि गौ माता का संरक्षण कर सके। लेकिन ये जो इस प्रकार के डीएमके के सांसद जो हैं, इन्हें सदन से माफी मांगनी पड़ेगी और जनता से माफी मांगनी पड़ेगी, गौ माता से माफी मांगनी पड़ेगी, देश से माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि, और सनातन धर्म से माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि सनातन धर्म के जो भी मूलभूत हमारे मूलाधार हैं, ये गौरी, गंगा, गौ माता, गाय माता, हमारी धरती माता, भारत माता, इन सब सनातन धर्म, हमारी संस्कृति, इन सबका अपमान करते रहते हैं वो। उन्होंने हिंदी भाषी क्षेत्रों का अपमान किया। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल जी अब दक्षिण भारत उत्तर भारत को आपस में लड़ाने की बात कर रहे हैं। जिस शंकराचार्य ने पूरे देश को, वो भी दक्षिण भारत के थे, उन्होंने एक किया, आज उस पर दबाव बना रहे हैं माफी मांगने के लिए। इसका मतलब ये है कि जब स्टालिन के लड़कों ने सनातन को समाप्त करने के लिए कहा था, ये इनकी सहमति थी। भूले नहीं, हम गौ को और गौ माता को और गौ माता के मूत्र को भी हम सम्मान करते हैं, पूजते हैं, मुझे इसका फक्र है। लेकिन सनातन को जो समाप्त करने की कोशिश करेगा वही समाप्त हो जाएगा, ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं, ऐसी हल्की बयान न दे। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के बयान पर जमकर बवाल हो रहा है। सेंथिल कुमार ने यह कहकर विवाद छेड़ दिया कि भाजपा केवल गौमूत्र वाले राज्यों में चुनाव जीत सकती है, हालांकि अब उन्होंने माफी मांग ली है। हिंदुत्व, नाउ यू मेड अनदर कंट्रोवर्सी ऑन द नेम ऑफ गौमूत्र। गौमूत्र, No, there was no controversy, there's no statement such as that, and it's not something like after Sanandana and Sanandana. See, I made some statement inside the house, and during the, when I made that statement, there was a chairperson in the chair, there were, the Home Minister was there in the house, BJP members were there, alliance partners were there, and so many other people were there. And this specific topic, I've already used it before also in my parliament speeches. You can go to the records and see, the old house of the parliament, it was 1.5 years before. इसके बाद उन्होंने कहा कि स्वदेश के लोगों के जरूर सोचना चाहिए कि भाजपा की ताकत मुख्य रूप से हिंदी के गढ़ वाले राज्यों में है, जिन्हें हम आमतौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं, वहां चुनाव जीतना है। पूर्व कांग्रेस सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा कि डीएमके को यह एहसास होना चाहिए कि उनकी लापरवाह टिप्पणियां केवल इंडिया अलायंस के प्रयासों को कमजोर कर सकती हैं, बल्कि आगामी समय में राजनीतिक तौर पर बड़े विवाद भी खड़ा कर सकती हैं। वीडियो डेस्क, kamarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।